दोस्तों, बिना इलेक्शन बिना वोटिंग के बीजेपी तीसरी सीट जीत गई है। जी हाँ, सूरत, खजुराहो और अब इंदौर। दोस्तों, इंदौर जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी की बहुत ही सेफ सीट है, वहां से एक बड़ा हैरान करने वाला मामला आया। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया अभी थोड़ी देर पहले, और ये जब कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे नामांकन वापस लेने के लिए, तो कहा जा रहा है इनके साथ बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला मौजूद थे। और उसके बाद जब ये बाहर आए तो इनकी ये फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गई। इस फोटो में आप कैलाश विजयवर्गीय को देख रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अपना नामांकन वापस लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल भी हो गए, नहीं हुए तो हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय के साथ वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं दोस्तों, क्योंकि ये अलग तरह का मामला अब नहीं रहा। सूरत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया था, वहां इससे अलग था, कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया था। सूरत में उस वक्त बीएसपी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था। इसके अलावा खजुराहो में भी, अभी मध्य प्रदेश के खजुराहो में ऐसी खबर देखने को मिली थी, क्योंकि खजुराहो की सीट इंडिया गठबंधन के पास थी, समाजवादी पार्टी को दी थी कांग्रेस ने, तो खजुराहो में समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट था, जो बीजेपी को टक्कर दे रहा था, उसका नामांकन रद्द हो गया था। तो बीजेपी को वॉकओवर मिल गया एक तरह से। तो सूरत, खजुराहो और उसके बाद इंदौर की सीट भी बीजेपी के खाते में बिना इलेक्शन के चली गई है। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया में लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं। जैसे पत्रकार प्रेम कुमार इस पूरे वाक्य में लिखते हैं, बीजेपी सबूत दे रही है कि वो लोकतंत्र विरोधी है। सूरत हो या इंदौर, बीजेपी का गढ़ रहे हैं, वो लड़कर भी चुनाव जीत सकते थे, फिर भी लोकतांत्रिक लड़ाई को खत्म करके बीजेपी क्या संदेश दे रही है। विपक्ष की ये बात सत्य साबित हो रही है कि बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, चुनाव प्रणाली पर भरोसा नहीं है। बीजेपी अब की बार सत्ता में आई तो लोकतंत्र को खत्म कर देगी, खतरे में है संविधान। दोस्तों, कुछ पत्रकारों ने, कुछ और लोगों ने भी इस पूरे मामले में बीजेपी की आलोचना की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस को भी अपने भीतर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंदौर जिस लोकसभा सीट में ये सब कुछ हुआ है, वहाँ से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आते हैं, जीतू पटवारी का गढ़ है ये, तो अपने गढ़ में उनके अपने इलाके में इतना बड़ा खेल हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला। तो ये बड़ा सवाल कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि वो कैसे लोगों को टिकट देती है जो ठीक चुनाव से पहले अपना नामांकन न केवल वापस लेते हैं, अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हैं, बल्कि जाके बीजेपी के गोद में बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे वाक्य पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।